हेलो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग वेलकम टू डे थ्री एट वीएमसी मेडिकल नीट विस्पर्स तो तीसरा दिन है आज और हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया फिजिक्स के आज तीसरा लेक्चर है ठीक है और कल एंड में क्लास के एंड में हमने कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि हम किस तरह से कॉपी पेन लेके बैठेंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम चीज़ों को अप्रोच करने वाले हैं ओके आई होप उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं तो आप अभी भी बैठे हो ना सामने स्क्रीन के तो ऐसा नहीं बैठे कि भाई हमको बस मूवी मूवी की की तरह तरह देखना है की तरह देखोगे तो वैसा रिटेंशन नहीं रहेगा ठीक है।, है हमें बैठना है, पेपर बैठना है, तो करने वाले है। और आई डोंट थिंक इसके बाद नीट के लिए कुछ ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है दिस वुट बट मेक श्योर की यू आर हियर विद मी बाकी जैसे एंड मूवमेंट है ऐसे एग्जाम एग्जाम प्रिपरेशन का और हम देख रहे हैं कि ऐसे अक्सर हमें ऐसे मोटिवेशन की नीड पड़ती है और ऐसे हम कुछ कुछ एटलीस्ट uh, कुछ ऐसा जो हमें स्ट्रीम लाइन रख सके तो वो चीज़ अच्छी है ऐसा हमें ऐसे सोर्सेज ऐसा हमारा फ्रेंड ग्रुप ऐसा हमारा सर्कल होना चाहिए ऐसे हमारे टीचर्स के कुछ ऐसे टीचर्स से कनेक्ट रहना चाहिए जो हमें चीज़ों को कनेक्ट करके रख सके बट आई वुड स्टिल से कि मोटिवेशन है ना ऐसे हम ऐसे शॉर्ट टर्म ना ढूंढे कहीं पे भी शॉर्ट टर्म इन सेंस कि ऐसा कोई तो टॉक सुना और फिर हमें लगने लगा कि वाह क्या बात बोली टीचर बट तो पूरा पूरा, पूरा, तो एक दिन रहता है दो दिन रहता है आपने नोटिस क्या होट स्टार्टिंग आउट ओके तो देखो मैंने जब प्रिपरेशन की जो चीज मुझे हेल्प करी मतलब मोटिवेशन की हमें कब पड़ती है जब हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता बेसिकली पढ़ने का मन कर रहा करो तो मतलब अच्छा ही है ना जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो खुद के मन को ये चीजें समझा देनी चाहिए कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कई बार होगा कि चीजें बहुत रेपिटेट लगेंगी मोनोटोनस और बहुत ही क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस किए उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुई ये चीजें सब होने वाली है और चीज अब चीजें बहुत बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार इतना सब कुछ प्रैक्टिस किया उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं हैं ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन टू विद यू बट उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कमिटमेंट

रिजल्ट ओरिएंटेड की रिजल्ट एनीवेज हमें चाहिए एंड में वी ऑल नीड रिजल्ट एट दी एंड बट अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स देख के या फिर अपने प्रिपरेशन देख के घबराने से ज्यादा अच्छा है कि अपने कमिटमेंट के साथ पढ़ते जाओ सो की इज कमिटमेंट ओके एंड इट इज आई आई कीप इट अबव माई मोटिवेशन आस्पेक्ट मोटिवेशन कभी है शायद किसी से मिला तो ठीक है नहीं है तो, है, committed to your studies, okay? तो इसी के साथ हम फटाफट से न्यूटन लॉफ मोशन स्टार्ट कर देते हैं तो बेसिकली हमने इसके सबसे ज्यादा तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो एफबीडी मुझे नहीं लगता कि अगर किसी इंसान को अगर एफबीडी बनानी आती हो प्रॉपरली तो उससे ना हो ऐसा नहीं हो सकता ठीक है सारा का सारा खेल FBD के अराउंड रिवॉल्व है सही तरीके से फोर्स लिखना सही तरीके से इक्वेशन लिखना एंड आई थिंक एवरी क्वेश्चन कैन बी डन ओके तो न्यूटन्स मोशन स्टार्ट करते हैं अच्छा लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन से बहुत ज्यादा फोर्स की बातें करी ठीक है तो फोर्स

Two Newton force, force पे two Newton force add के तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो हो, हो उसी कंडीशन होती है तो वैक्टर्स जो होते हैं वो scalar की की तरह नहीं किए जा सकते बिल्कुल अलग होती है वो हम आई अपन सबको पता है और यूनिट क्या होती है इसकी न्यूटन होती है वैसे को तो अगर ऐसा यूनिट देखें तो मीटर पर ओके ओके गुड मॉर्निंग ऑफ फोर्सेस नाउ देखो अभी तो खैर हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है हमें फोर्स को विजुअलाइज करना बहुत इजी है जैसे सपोज ये कोई बॉडी है ये मैंने ऐसे पेंसिल है मेरी मैंने इसको हाथ मेरी, मैं इसको हाथ पुश किया तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया वो मेरे को देखता बहुत है ना दिखता है वो कि भाई पुश हो रहा है और कुछ तो फोर्स लग रहा है और वो मूव कर रहा है बट कभी कभी कुछ ऐसे फोर्सेज होते हैं जो ऐसे विजिबल नहीं होते जैसे कि ग्रेविटेशन सपोज मैं इस पेंसिल को यहाँ से छोड़ू मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ अगर मैं इसको छोड़ू तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा ठीक है

सपोज ये कोई प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई तो बॉक्स रखा हुआ है ठीक है और ये जो बॉक्स रखा हुआ है देखो अब कांटेक्ट है ना देखो थोड़ा सा इसको जूम करके देखे ये वैसे कांटेक्ट में है एक दूसरे के मैंने बस थोड़ा सा उसको तुम्हें हमें समझाने के लिए उसको तो थोड़ा दूर दूर, दूर बनाया ये एक्चुअली में कॉन्टेक्ट में है तो बेसिकली ये जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है तो ये सरफेस भी इस पे फोर्स लगाती है और ये ब्लॉक भी इस पे फोर्स लगाता है तो सरफेस इस पे किस तरह, लगाता है? इस तरह। और ये कौन लगा रहा है सरफेस ब्लॉक पे लगा रही है ठीक है और ये वाला फोर्स जो है ये ब्लॉक सरफेस पे लगा रहा है ठीक है ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है ये अभी पढ़ेंगे आगे भी बट ये कॉन्टेक्ट फोर्स है सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा लग रहा होता है ओके दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको बोला है अपन ने यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब कोई दो बॉडीज है, है, है तो सर्फेस मॉलिक्यूल्स तो, में और बॉडी में जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिकता है बेसिकली वो इंटर मोलिक्यूलर फोर्स है तो अगर किसी बॉडी में रिलेटिव मोशन होने की तो उनके बीच पिक्चर में आता है ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स जैसे ही कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा तो से चला जाएगा सिमिलरली अगर अगर ये कॉन्टेक्ट वैसे तो ये तुम्हें दूर दूर दिख रहा है दूर दूर है नहीं अगर ये लूज कर जाएगा तो ये चीज भी हमारे लिए फिजल आउट हो जाएगी मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारे लिए गायब हो जाएगा सिमिलरली टेंशन फोर्स होता है टेंशन फोर्स के साथ है कोई भी बॉडी है अगर उसमें कोई भी स्ट्रिंग लगी हुई है ठीक है कोई बॉडी है उसमें कोई भी स्ट्रिंग लगी हुई है तो उसको पुल करती है और अगर स्ट्रिंग को पुल करते हैं टेंशन जो फोर्सेज होता है वो बेसिकली स्ट्रिंग में पड़ते हैं और वो एक पुलिंग फोर्स इन नेचर होता है पुल करती है हमेशा और एक स्प्रिंग फोर्सेज होता है स्प्रिंग वाले जो होते हैं वो बेसिकली स्प्रिंग होते हैं ये चार तरह के फोर्स हम कॉन्टेट फोर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? अच्छा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अच्छा एक है फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम ओके मोमेंटम है पी वेक्टर इज इक्वस टू एम वी वैक्टर ये बेसिकली हमने फॉर्मुला तो सब ने पढ़ लिया है बेसिकली इसका इसको हमको डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी बेसिकली हम एक चीज डिफाइन करने की फोर्स, ठीक है? मतलब हम फोर्स को न्यूटन सेकेंड लॉ में न्यूटन ने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होता है ठीक है अब ये सब चीजें पिक्चर में लाने की नीड क्यों पड़ी देखो जब हम देखें कि हमारे पास कोई बॉडी है सपोज वो कोई बॉडी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है कोई बॉडी है और वो बॉडी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मोमेंटम अच्छा, देखो अगर, अगर ये होगी तो क्या मुझे इसको रोकने के लिए ज्यादा पड़ेगा हा लगाना पड़ेगा अगर ये कम होगी तो मुझे इसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा हाँ तो हम फिजिकली फील भी कर सकते फिजिक्स नहीं भी पता है मैंने नहीं भी पढ़ा है तो, तो मैं देख के बता सकती हूँ रोकने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ठीक है और कम वेलोसिटी से तो उसको रोकने के लिए कम एफर्ट लगाना पड़ेगा

तो क्या अब दोनों को रोकने के लिए सेम तो लगाने नहीं होता। ये तो हम फिजिकली भी फील कर सकते हैं okay? तो है, उस पे डिपेंडेंट है ठीक है तो ज्यादा बड़े मास को सपोज आपने कभी देखा है कि ऐसे बड़े व्हीकल से दूर रहो ऐसे क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रहे थे तो रुकने के लिए बहुत टाइम लगेगा बहुत एफर्ट लगेगा

हर बॉडी जो मास कैरी करती है वो इनर्शिया कैरी करेगी अपने साथ ठीक है इनर्शिया बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मास से रिप्रेजेंट करते हैं एक मास एक बहुत फिजिकल क्वांटिटी जो इनर्शिया को रिलेट कर, करती है ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, हम रोटेशन मोशन में पढ़ते हैं कम टू दैट लेटर ऑन वो क्यों डिफाइन किया गया विल डिस्कस दैट लेटर ऑन ठीक है तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया मेरे लिए चेंज को रेजिस्ट करना दैट इज इट

बेसिकली मोमेंटम पढ़ा है तो मैंने उसमें काफी कुछ बता दिया कि जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा उसको रोकने के लिए चलाने के लिए फोर्स चाहिए मोमेंटम और वो किस पे डिपेंड किया तो है, of of होता है. Now, और ये मैथमेटिकली हमने इसको लिख रखा है लीनियर अच्छा, मोमेंटम को अपन कैसे लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम को अपन लिख सकते एम इंटू वी वैक्टर

बहुत जल्दी कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ लेता है क्या फोर्स हमेशा एम होता है, ऐसा नहीं है। अगर जीरो पास फोर्स क्या, तो क्या बच जाएगा ये टर्म जीरो पास, तो पास वो बच जाएगा एम इंटू डी बाई डी टी अच्छा डीवी बाई डी टी क्या लिख सकते हैं क्या ए वैक्टर लिख सकते हैं हाँ तो फोर्स एम ए वैक्टर कब होता है जब मेरे पास डीएम बाई डी टी जीरो होता है ठीक है ये बात ध्यान रखनी है डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं ओके अभी नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ठीक है अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया है तो मुझ पे दूसरी तरफ फोर्स लगाती है ठीक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है अच्छा एक इसका स्पेन इस जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ब्लॉक इसके लेते ले हैं ले 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 ले, अगर कोई ब्लॉक अगर कोई ब्लॉक है मेरे पास और अगर उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो ये किसने लगाया अर्थ ने लगाया ये तो इतना तो हमें आता है वैसे

अगर किसी दौरान अगर किसी दौरान कुछ भी कोलिजन हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ भी हो रहा है अगर उस दौरान नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम बोलते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है अब यहां पे मैं बात कर रही हूं एक्सटर्नल फोर्सेस की ठीक है इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं सपोज ये बॉडी है इसमें ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल में फोर्स लगा रहा होगा ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल में फोर्स लगा रहा होगा ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे इनको बोला गया इंटरनल फोर्सेस इनका जीरो होना जरूरी है एनीवेज क्योंकि ये जो फोर्सेज होता है तो एक दूसरे के को को तुम्हें देखना ही नहीं है तुम्हें पूरा सिस्टम पूरा देख लिया ना तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स को देखो जहां पे तुम्हारे को एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता दिख रहा है वहां पे तुम एंगुलर सॉरी लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते क्या है लीनियर मोमेंटम कंजर्व है ओके मतलब कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलो आगे बढ़ जाते हैं

अच्छा वन रेशो थ्री में ब्रेक हो गया तो ना इसको थोड़ा सा लेट्स से कि कुछ m था इसको ना जल्दी से तुम ब्रेक करना सीखो कि वन रेशो थ्री में डिवाइड कैसे करते हैं भाई अगर मेरे पास वन प्लस थ्री अगर तो चार यूनिट मास होता तो एक यूनिट तो इधर जाता और तीन यूनिट इधर आता पर ये मेरे तो m m यूनिट है तो एक काम करो इसको चार यूनिट में डिवाइड कर लो और चार चार यूनिट में डिवाइड किया तो कितना हो गया M by four. तो यानी कि कितने पार्ट इस चार M by four में से एक एम बाई फोर तो वन यूनिट बनाता है और जो तीन एम बाई फोर होता है वो हमारे पास कितना तो तो है one three. चार चीजों की बात हो रही है ऊपर भेजो और दो पार्ट तीन पार्ट को नीचे की तरफ रख लो मतलब कर लो उनको तो अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो, है, हाँ. तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लाइटर पार्टिकल है ना उसकी स्पीड नाइन मीटर पर सेकेंड है मुझे पता लगाना है, तो ये है ना, अब ग्रेविटी फ्री स्पेस है इसमें ठीक है और भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रखा है तो क्या यहाँ पे हम मोमेंटम ऑफ कंजर्व लगा सकते हैं हाँ लगा सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंटम कंजर्वेशन जैसी चीजें याद रखना तो यहाँ पे क्या है मोमेंटम जीरो है हाँ जीरो ही है क्योंकि तो रेस्ट पर है ना जीरो है अच्छा इसका से, इसका से मोमेंटम कितना हो क्योंकि तो मुझे डायरेक्शन नहीं पता है इसकी क्या ठीक है इसकी भी नहीं पता था बस उसका मैग्नेट पता था इसे लिख दिया तो अपन अगर देखें तो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम कितना है जीरो है और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा दिस मोमेंटम प्लस दिस मोमेंटम तो नाइन एम बाय फोर टू वी वेक्टर ठीक है क्या मैंने सही लिखा है तो एम बाय फोर तो एम बाय फोर जैसे कॉमन लेके उधर की तरफ जाएगा तो एनी जीरो बचेगा कितना v वेक्टर जो बचेगा नाइन एम माइनस माइनस थ्री तो बेसिकली इसकी अगर वेलोसिटी इस तरफ थी तो इसकी थ्री इस तरफ होगी क्योंकि तो माइनस आ, आ रहा है ना ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है ठीक है तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया ओके आई थिंक मोमेंटम कंजर्वेशन करना हम लगा सकते हैं और ये बात ध्यान रखना हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखना है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर ओके थ्रोज अ बॉल

F वेक्टर जो होता है वो क्या होता है d p वेक्टर डिवाइड बाय dt यानी कि इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो f x i कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप इज़ इक्वल तू d p x बाय dt i कैप प्लस d p y बाय dt j कैप प्लस d p z बाय dt k कैप ठीक है कुछ नहीं किया मैंने जैसे क्लास वन में बताया था कि

अगर y डायरेक्शन का फोर्स जीरो है तो y डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा अगर z डायरेक्शन का फोर्स जीरो है तो z डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम डायरेक्शन वाइज लगा सकते हैं अगर x डायरेक्शन का फोर्स तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं y डायरेक्शन के बारे में मुझे नहीं पता पर मैं x डायरेक्शन में डेफिनेटली कर सकती हूँ तो मेरी x डायरेक्शन कौन सी है मेरी ये है। ठीक, है? ठीक है, मेरी? X direction है अच्छा क्या यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है फ्रिक्शन जीरो है है ठीक तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है वो जीरो है तो जो पी डायरेक्शन dire, का मोमेंटम है वो कंजर्व है हालांकि वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है ठीक है, उनसे भी नहीं है. पे कुछ हो रहा होगा बट ये बात एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व है अच्छा तो अगर मैं ध्यान से देखू तो अगर मैं ध्यान से देखू तो एम तो स्टैंडिंग बॉल

और कैपिटल एम है लेट से कि वो किसी बी वेक्टर से जाने लगा थ्रो करने के बाद क्या हुआ थ्रो करने के बाद क्या हुआ मेरे पास क्या हुआ कि ये तो किसी वी वेक्टर से जाने लगा और ये किसी एम जो है वो यू वेक्टर से जाने लगा ये हो रहा है मेरे पास एक सेकंड ये जो है मेरे पास एम जो है वो स्मॉल है ठीक है एम जो है मेरे पास स्मॉल है ओके okay? ये एम और ये दोनों रेस्ट पर है और ये इस, थ्रो करने के बाद क्या हुआ ये तो वी से मूव करने लगा और ये यू से मूव करने लगा तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कैपिटल एम इंटू वी वैक्टर इज इक प्लस स्मॉल इज गोइंग टू बी फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कैसे लिखा है इसका मोमेंटम लिखा और इसका मोमेंटम लिखा यही हो जाएगा तो क्या मैं लिख सकती जीरो प्लस एम यू वैक्टर तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वी तो वैक्टर जो है वो एम बाई एम इंटू यू वैक्टर है क्या मेरे लिए ये चीजें होने वाली है v वेक्टर जो है वो माइनस एम बाई एम इंटू यू वैक्टर है ओके आई थिंक दैट इज क्लियर तो बेसिकली ये बात तुम्हें तो समझनी पड़ेगी कि u वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी v वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होने वाली है ओके okay? अगर क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज पूछता है तो स्मॉल m divided by capital m कैपिटल v लिख देना ठीक है इतनी बात क्लियर आ गई आगे बढ़े लेट्स गो अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अ बॉल ऑफ मास m moving with constant speed u meter per second is caught by a man of mass capital m standing on frictionless floor ठीक है तो अब देखो अब इसमें क्या क्या कहानी हो रही है कि एक बॉल है जो कि स्मॉल m मास की और u वेलोसिटी से जा रही है और एक मैन खड़ा है कैपिटल m मास का जो कि रेस्ट पर खड़ा है ठीक है और ये मैन इस बॉल को पकड़ लेता है तो उसके बाद होता क्या है दोनों मूव करने चलो चल जा स्टार्ट कर देते हैं और ये ये क्या हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल m मास हो जाएगा अब ये और ये लेट्स से कि किसी v वेक्टर से चलने लग लगे आगे तो मुझे वो v वेक्टर निकालना है ये दोनों साथ में आवे ना ठीक है तो बेसिकली इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई इनिशियल मोमेंटम इसका देखो तो m into u वेक्टर हो जाएगा और इसका कितना है जीरो है और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा m plus m into v वेक्टर तो मेरे पास क्या चीज हो गई m into u वेक्टर एम प्लस एम इन टू वी वैक्टर ठीक है तो वी वैक्टर डिवाइड बाय एम प्लस कुछ नहीं किया है एम मोमेंटम कंजर्व किया है ठीक है आता है सब लोगों को इनिशियल इनिशियली सिर्फ इसके पास मोमेंटम था फाइनली इसके पास मोमेंटम आ गया दोनों कंपाइन सिस्टम के पास ओके ये हम तब कर पा रहे जब फ्लोर फिक्शन ऐसे में कोई फोर्स नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते और यूजुअल डायरेक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता अगर कोई क्रिकेटर क्रिकेट बॉल को पकड़ता है तो बॉल को पकड़ती है वैसे स्लाइड नहीं होने लग जाता है बॉल के साथ ठीक है बॉल उस मोमेंटम को लेकर बॉल को ले के मोमेंटम को लेकर आगे नहीं पीछे नहीं चल जाता है ठीक है वो वही पड़ता है क्योंकि उसको फ्रिक्शन ने रोक लिया है फ्रिक्शन इज इनफ इन द ग्राउंड टू प्रिवेंट दैट ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी इंपल्स इसमें क्वेश्चन कम आते हैं बट डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं ठीक है

तो इसको कहाँ से कहां तक तक इंटीग्रेट किया P1 से लेके P2 तक। तो J क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ये मेरे लिए क्या है? है. है अच्छा इसने बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपन ने लिख दिया फाइनल मोमेंटम को लिख दिया एम इंटू वी टू वैक्टर इनिशियल मूवमेंट लिख दिया एम इंटू वी वन वैक्टर तो जे वेक्टर कितना हो गया M इन टू वी वेक्टर वैक्टर माइनस वी वन और ये बात बहुत 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 ध्यान रखने वाली है कि ये वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर है ना कि वी टू माइनस वी वन ओके यहाँ पे वैक्टर सब्ट्रैक्शन करना है अपने को अच्छा ये तो अपने पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया इसके अलावा हम इसको ग्राफिकली और पढ़ लेते हैं अगर मैं बोल रही हूँ कि जे वैक्टर इज है और अगर मैं एफ भी बना भी रखा है ऑलरेडी अगर मैं एफ और टी का ग्राफ बनाऊ कुछ सपोज ऐसा है तो एफ डी टी रिप्रेजेंट क्या करता है एरिया अंडर द कर्व तो एफ डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द कर्व तो बेसिकली ये चीज क्या है एरिया अंडर एफ टी कर एरिया अंडर एफ टी कर और ऐसी तरीके से

If the two था और ये स्टिक हो गए कि का मास हो गया ठीक है और लेट से किसी, ये भी, किसी अभी ये वी नॉट वेला है तो अगर मैं मोमेंटम लिखूं तो इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका कितना लिखूंगी थ्री इंटू टेन लिखूंगी और इसका तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंट हो गया थ्री इंटू टेन प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइव इंटू वी नॉट वैक्टर तो मेरे वी नॉट वैक्टर है क्या सिक्स मीटर पर सेकेंड है ठीक है वी नॉट वैक्टर है क्या सिक्स मीटर पर सेकेंड है ओके okay? तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक के लिए लिखूं फर्स्ट ब्लॉक के लिए लिखूं एक सेकेंड स्क्रीन हैज फ्रीज्ड जस्ट वेट सेकंड नो टेबल टू राइट जस्ट केवे मिनट आ जस्ट जस्टी मिनट इधर लिख पा रही हूँ मैं आई डोंट नो मैं लास्ट स्लाइड पे लिख ही नहीं पा रही हूँ यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं सॉरी यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं उस क्वेश्चंस को हम ऐसे वापस वापस में अगर उस एंड पे आ जाएंगे एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ओके okay? ओके okay. वैसे क्वेश्चन है इम्पल्स जैसा क्वेश्चन है इम्पल्स का मैंने तुम्हें बताया था कि वो क्या होता है अपने पास पी टू वैक्टर माइनस ऑफ पी वन वैक्टर ओके और अगर और और वो क्या होता है एरिया अंडर एफ टी कर एरिया अंडर एफटी कर, अच्छा, कर भी दे रखा है है ओके अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा फोर्स टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन इन द फिगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन जीरो टू एट सेकेंड जीरो से लेके एट सेकंड तक मतलब ये पूरी जर्नी के लिए लीनियर मोमेंटम कितना होने वाला है तो बेसिकली अगर ग्राफ दे रखा है तो हमने बोलता है कि एरिया अंडर द कर्व होता है तो इसका एरिया निकाल लो बट आप जितना समझोगे देखो ये ये देखो ये देखो अगर आप इसको देखोगे इस पाथ को इसको देखते हैं इस वाले पाथ को ये टो ये ये टोटल कितना है 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 तो बेसिकली टोटल फोर है तो अगर हाफ की बात करें तो ये टू टू सेकेंड होगा ये भी टू सेकेंड होगा मतलब ये, ये यूनिट वाइज कितना है टू है सिमिलरली ये भी यूनिट वाइज कितना है टू है तो क्या बेसिकली सेमी सर्कल का पार्ट होगा ये क्या ये सेमी सर्कल का पार्ट है वापस से सुनो ध्यान से सुनना है ना अगर इसको मैं कहूँ देखो ये मेरे पास टोटल फोर यूनिट है बेसिकली ये टू यूनिट है और ये टोटल टू यूनिट है और ये भी जो है मेरे पास ये टू यूनिट है तो क्या ये सेमी सर्कल का पार्ट है तो बेसिकली ये एक सेमी सर्कल हो गया अच्छा क्या ये क्वार्टर सर्कल हो जाएगा हाँ हो जाएगा अच्छा क्या ये भी क्वार्टर सर्कल है क्वार्टर हाँ, सर्कल है अच्छा मुझे बताओ कि क्या ये दो क्वार्टर सर्कल मिला के एक सेमी सर्कल बना लेंगे बना लेंगे तो बेसिकली एक ये एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव सेमी सर्कल का एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव सेमी सर्कल का दोनों सेमी सर्कल इक्वल एरिया कैरी कर रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में कैरी कर रहे हैं मतलब नेगेटिव साइन के साथ कैरी कर रहे हैं तो क्या ये नेट जीरो हो जाएगा हाँ भाई हो जाएगा ठीक है तो इसका आइडिया क्या है जितना पॉजिटिव एरिया है मेरे पास जितना पॉजिटिव एरिया है मेरे पास उतना ही नेगेटिव एरिया है तो ये मेरे पास एरिया पॉजिटिव है और ये कितना है ये नेगेटिव नेगेटिव है तो तो जितना पॉजिटिव एरिया 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 उतना ही कैंसिल अदर एंड नेट वुड बी जीरो जीरो चेंज इन अगर जे पी टू माइनस पी वन होता है वो भी जीरो तो क्लियर

पार्टिकल वेलोसिटी की स्थिति वो बेसिकली ये कर्व का स्लोप डिफाइन करेगा तो बेसिकली इसका जो स्लोप होता है वो v1 डिफाइन करेगा ठीक है तो v1 कितना हो जाएगा अच्छा ये निकालना है बेसिकली मुझे तो बेसिकली मुझे ये चीज डिवाइड बाय ये चीज निकालनी है ठीक है तो परपेंडिकुलर है कितना फोर यूनिट है दिस इज 4 यूनिट लो दिस वन एंड दिस इज 2 यूनिट और ये बेसिकली v1 है मैंने गलत लिख दिया ये बेसिकली v1 है ओके okay, क्योंकि तो हम जस्ट बिफोर टू सेकंड की बात कर रहे हैं अच्छा v2 को कौन डिफाइन करेगा V2 को जो डिफाइन करने वाला है वो बेसिकली इस कर का स्लोप इस एक सेकंड इस कर का स्लोप डिफाइन करेगा ये तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या इसका स्लोप जीरो हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है बस ये वैल्यू पुट कर दो अच्छा ये स्लोप पॉजिटिव है ना क्योंकि तो देखो ये वाला स्लोप जो है v1 वाला स्लोप पॉजिटिव है तो v1 की वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव ही है ओके तो अपन देखेंगे m v2 वेक्टर v1 वेक्टर तो ये 2 हो जाएगा बेसिकली माइनस -0.2 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या ऐसा कोई ऑप्शन है है क्या भाई हाँ ऐसा ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन 2 ओके ऐसा ऑप्शन आ गया मेरे पास ऑप्शन 2 ये बेसिक

तो क्या तुम्हारे को ये समझ आ रहा है तो क्या तुम कह रहे हो कि मतलब ये पॉइंट फाइव न्यूटन से इधर की तरफ मूव करना चालू कर देगा अगर टेंशन जीरो होती तो तो गड़बड़ हो गई ना पार्टिकल ने तो मूव करना चालू कर दिया हमारे हिसाब से तो रेस्ट भी होना चाहिए था तो बेसिकली टेंशन भी फाइव न्यूटन ही है टेंशन भी फाइव न्यूटन ही है ओके आर यू गेटिंग दिस

स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पर 5 न्यूटन टेंशन डेवलप हो जाती है सच दैट द एंटायर सिस्टम रिमेन एट रेस्ट ओके रोक के रखता है चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है पुली मास सिस्टम का जस्ट गिव मी अ जस्ट गिव मी हमारे पास क्या है पुली मास सिस्टम ओके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसमें जिसको एफबीडी बनाना आ गया उसको समझ आ गई यहां पे मैंने बताया था एक तो इसमें जो कंसिडर हम करते हैं इससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं एक सेकेंड ना ओके तुम बात समझ लो कि मैंने बताया था कि फोर्स वेक्टर जो होता है फोर्स वेक्टर जो होता है वो क्या होता है डी पी वैक्टर बाय डी टी वैक्टर जिसको हम लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम टू वी वैक्टर डी एम बाई डी टी वो वाला केस जिसमें डीएम बाई डी टी होता है जीरो होता है वो अपने ठीक है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा सॉरी एफ एक्स की जाएगी

यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा है तो बेसिकली क्वेश्चन इसी तरह के आते है? जिसको बनाना आता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो है का क्वेश्चन नहीं कर सके तो बेसिकली तुम्हें बॉडी पे फोर्सेस लिखने होते हैं तो मेरे पास सिस्टम ऐसा कुछ है एक एम वन है इधर ये दिस वन इज एम वन ठीक है एक मेरे पास एम टू है यहाँ पे ठीक है और कुछ कंडीशन ऐसी और हमारे पास जो पुली है वो पुली है वो मासलेस है एंड फ्रिक्शन लेस है कोई फ्रिक्शन नहीं है पुली में ओके तो अभी इसको हम कैसे देखने वाले हैं तो बेसिकली ये तो मुझे समझ आता है कि मुझे फिजिक्स ना आती हो तो भी मुझे पता है कि ये नीचे की तरफ जाएगा कौन एम टू और एम टू के नीचे के जाने की वजह से एम वन ऊपर की तरफ जाएगा इतना तो मुझे बिना फिजिक्स एनल पढ़े समझ आता है ठीक है तो एक काम करता है तुम्हें ना एक एक बॉडी की हाँ वेरी गुड अभी क्लियर है

तो m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है अच्छा m1 पर मुझे ये पता है m1 पे जो मेरा लग रहा है वो लग रहा है मेरा m1g नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी लगेगा और मैंने बताया था ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग हमेशा एक पुलिंग फोर्स होती है तो स्ट्रिंग इसको किस तरफ पुल करेगी इस तरफ पुल करेगी ठीक है अच्छा इसका एक्सीलरेशन क्या होगा इस तरफ होगा हम ने तो पहले डिस्कस कर चुके हैं m2 नीचे की तरफ m1 ऊपर की तरफ सिमिलरली अगर m2 की fbd बनाओ तो तुम्हारे पास क्या होगा m2g नीचे की तरफ और t ऊपर की तरफ बट इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है नीचे की तरफ जा रहा है तो तुम्हारे को क्या ही पता है नेट फोर्स इन x डायरेक्शन नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन तो भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे जितना भी अपवर्ड फोर्स होगा ना वो ma के बराबर होगा तो इसमें अपवर्ड फोर्स कितना है t m1g एंड दैट इज इक्वल टू m1a ठीक है इसमें क्या है नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें नेट डाउनवर्ड जो फोर्स होगा वो m2a के बराबर होगा तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है m2g t m2a ठीक है ये दो इक्वेशन आ जाती है मेरे पास ठीक है अब हमको सॉल्व करना है एक काम करो इन इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये M1, ये 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 आएगा और ये माइनस ये तो तो T कर दो एम टू एम वन ए दोनों प्लस में M2A M1A. एक काम करो जी कॉमन ले लो तो एम टू माइनस एम वन इंटू जी इज इक्वस टू एम टू प्लस एम वन इंटू ए तो यहाँ पे मेरे पास ए कितना आ गया एम टू माइनस एम वन इंटू जी एम टू प्लस एम वन ठीक है ये मेरे पास क्या आ गया अपना हाँ ये कुछ लोगों को डायरेक्ट आंसर भी आ गया। अच्छा ना इसको एक याद करने का एक तरीका समझ लो अब ना ये तो अपने को निकालना आता है अच्छा इस, इसी से मैं ना अगर टेंशन सॉल्व करोगे ना टेंशन भी सॉल्व कर सकते हो तो। टेंशन कितनी निकल के आती है टेंशन जो निकल के आती है वो आती है ट्वाइस ऑफ एम वन एम टू डि प्लस एम टू इंटू जी ट्विस्ट ऑफ एम वन एम टू डि ये निकल के आती है ये दो फॉर्मूले इसको आप याद कर सकते हो ठीक है अच्छा यहाँ पे ना एक कुछ चीज है मेरे पास एक सेकेंड जिसको हम समझ लेते हैं नेट एक्सीलेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय नेट मास बीइंग पुल्ड ठीक है एक एक मैं यहां पे बनाती हूँ एक सेकेंड है इधर देखो नेट एक्सीलरेशन जो होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास बी पुल ये आपको क्वेश्चन आता है आई नो बट कुछ हम शॉर्टकट तरीके समझ रहे हैं हाँ यस सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग डिवाइड बाय टोटल मास अच्छा अगर तुम इधर देखोगे तो मोशन को सपोर्ट मोशन इस तरफ हो रहा है ठीक है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो बेसिकली m2g है वो मोशन को सपोर्ट करेगा ठीक है क्योंकि नीचे की तरफ जाना है बट इधर की तरफ मोशन ऐसे हो रहा है तो m इधर की तरफ मोशन ऐसे तो m1g उसको अपोज कर रहा है m1g उसको अपोज कर रहा है राइट तो अगर तुम देखोगे तो सपोर्टिंग मास कितना हो गया m1g और अपोज कर रहे है तो उसको माइनस कर दिया m2g ठीक है तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया सपोर्टिंग मास m1g सॉरी 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 m2g m2 नीचे कितना आ रहा है -m1g डिवाइड बाय नेट मास बीइंग पुल्ड कितना मास पुल्ड हो रहा है भाई मेरे पास जो मास पुल हो रहा है वो कितना है m1 प्लस? m2 करेक्ट तो बेसिकली जब मेरे पास ऐसा है कि अगर मैं इस पिक्चर को डायरेक्टली देख के बता सकती हूं कि ये मेरे पास ये तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है मोशन को अपोज कर रहा है तो मेरे पास नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया जी माइनस सॉरी एम टू जी माइनस एम वन जी ये गे। गे? तो इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो अब इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं इसको इसको एक एक बार बार होल्ड पे रखते हैं ये वाला करते हैं पहले हाँ इस वाले को करते हैं देखो यहाँ पे देखो, देखो मोशन ऐसे होगा अगर तुम तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फोर जी का जो वेट है लग रहा होगा वो मोशन को सपोर्ट कर रहा होगा उसी की वजह से तो मोशन हो रहा है बट अगर तुम इसको देखोगे इस ये तो ना मोशन को सपोर्ट कर रहा है ना अपोज कर रहा है इसका फाइव जी इधर की तरफ चलेगा ठीक है टेंशन जो फोर्स होता है वो एक पूरे सिस्टम को देखते तो वो एक इंटरनल फोर्स इस पर टेंशन ऐसे लगता है टेंशन को को नहीं करना सिर्फ वेट को देखो अभी तरीके में ठीक है लॉन्ग कट में तो तुम्हारे को पता है कैसे बनाना है तो यहाँ पे मोशन को कौन सपोर्ट कर रहा है फोर जी कर रहा है और ये वाला जो है इसका वेट ना तो सपोर्ट कर रहा है ना अपोज कर रहा है तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है सिर्फ और सिर्फ फोर का है और नेट पुलिंग मास कितना है वो फोर्स वो फाइव 5G दोनों को पुल कर रहा है तो तो ओके okay? तो कितना हो गया फोर जी बाय हो गया इस वाले केस में देखते हैं इस वाले केस में रहा है? ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा भाई इसका वेट तो इसको सपोर्ट कर रहा है और इसका वेट मोशन को अपोज कर रहा है तो मेरे पास नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा 5g जी माइनस फोर डिवाइडेड बाय नेट मास बिंग पुल्ड तो कितना मास है 9, तो दिस इज जी बाय नाइन दो कितना फर्क पड़ जाता अगर तुम बॉडी को ऐसे रख दो तो वो तुम्हारे पास फोर जी से मूव कर रही होती है और बॉडी को अगर ऐसे रख दो तो वो जी बाय नाइन से मूव कर रही होती है नहीं क्लियर है जो भी डाउट है और ये ऐसे जाएगा ये मास फर्क नहीं पड़ रहा मोशन पे क्योंकि वेट तो इसका ऐसे लगा ना तो पुलिंग फोर्स कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और इसका अपोज कर रहा है तो मेरे पास कितना हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स थ्री जी और वन जी इसका तो कोई पुलिंग फोर्स है ही नहीं तो कितना सारा कैरी सारा हो रहा है ना ये थ्री जी भी कैरी हो रहा है थ्री के जी सिक्स के जी और वन के जी ये तीनों कैरी हो रहा है टेन के जी हो गया तो दिस इज टू जी डिड बाई टेन यानी कि ट्वेंटी बाई टेन यानी कि टू मीटर पर सेकेंड आंसर क्या हो गया ऑप्शन टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेरी गुड रोहित

तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो T1 कितना हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू डि एट जी बायर यानी कि टू जी टी टू जो देखोगे M1, M2 M1 M2 G. तो आइस ऑफ एम वन एम टू ये कितना हो जाएगा चार बारह बटे पांच जी बाय फाइव

T3 में तो मुझे T2 की टेंशन को क्या सकते सकते हो KX2, इसको सकते हो KX1, इसको इसको तो तो okay? ऐसे ही करना है देखो ये सब कैलकुलेशन है ना मैंने तुम्हें पेपर में इतनी करके बताई पेपर में सब इतना लंबा नहीं लिखना है ना ये हम वर्बली भी माइंड में भी कर सकते हैं कैलकुलेशन फॉर

एक काम करो इसको और इसको दो सेपरेट मासेस मान दो मतलब ये फोर के जी का एक मास हो गया और ये एट के जी का एक मास हो गया अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो टेंशन है ना अब ये एक इंटरनल फोर्स हो जाएगी इस पे जितना टेंशन लग रहा होगा इतना ही टेंशन इस पे लग रहा होगा तो इस कंबाइंड मास को जब तुम ट्रीट करोगे तो ये टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी तो बेसिकली क्या मेरे पास ऐसा कुछ सिस्टम बन गया है कि ये फोर के जी है और ये कुछ एट के जी है अच्छा एक काम करो निकाल लो एम टू माइनस एम वन डिवाइड बाई एम टू प्लस एम वन इन जी तो दिस इज फोर जी थ्री तो बेसिकली मेरे पास हो क्या रहा है ये जी बाय थ्री से ऊपर जा रहा है और ये दोनों जी बाय थ्री से नीचे आ रहे हैं ठीक है थेके? तो सबका एक्सिलेशन जी बाय थ्री विद डायरेक्शन आई नो अब एक काम करो ब्लॉक सी की एफबीडी बना लो ठीक है एक काम करो ब्लॉक सी की एफबी बना लो अब मैं क्यों बना रही हूँ बताऊंगी बाद में पहले बना के हम लिए बहुत चीजें ईजी होती है इसकी एफबीडी बनाओगे तो एक तो इसमें फोर जी नीचे की तरफ लगा इसका वेट फोर के जी है एक ये टेंशन लग रही होगी अब मैं सी को इंडिपेंडेंटली बना रही हूँ अब टेंशन एक इंटरनल फोर्स नहीं है बी और सी को जब कंबाइंड सिस्टम लेते हैं तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स होती है बट सी को इंडिपेंडेंटली तो भाई टेंशन एक एक्सटर्नल फोर्स हो गई है तो बेसिकली इस केस में क्या हो गया मेरे पास ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रही और यही टेंशन मुझे निकालनी है और मुझे पता है कि इसका एक्सीलरेशन है वो g बाय थ्री है तो इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन g बाय थ्री है यानी कि जितना भी नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो एम जी बाय थ्री हो जाएगा तो 4g जी माइनस टी इज इक्वल टू एम जी बाय थ्री यानी कि इसको बोल देंगे फोर इंटू जी तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर जी माइनस यानी कि फोर वन माइनस वन बाय थ्री यानी कि फोर जी इंटू टू बाई थ्री यानी कि एट जी बाय थ्री एट जी बाय थ्री की वैल्यू रखो जरा कौन सा आएगा ये आएगा ठीक है जी की वैल्यू रखोगे तो ये आंसर निकल के आएगा क्योंकि से थोड़ा तो सा ज्यादा ना तो टू जी नाइनटीन पॉइंट सिक्स होता है ओके okay? तो ये वाला आंसर आ जाएगा आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी है

अच्छा ये तो वैसे ही वाला क्वेश्चन आ गया पहले जैसा पर इसमें थोड़ा सा ट्रिक है जरा देखो हमको कॉम्पोनेंट सबको करने आते हैं ये कितना होता है ये ये होता है मेरे पास एम टू जी साइन बीटा एम टू जी कॉस बीटा ये है मेरे पास एम वन जी साइन एल्फा और ये कितना है मेरे पास यहाँ पे कॉम्पोनें क्यों किए पहले तो देखो जब भी तुम मोशन में कॉम्पोनेंट ना अक्सर कहते हैं टेंशन के कॉम्पोनेट कर लेते इसके भी तो कॉम्पोनेंट कर सकते थे तो बेसिकली हमारे को याद रख लो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉम्पोनेंट आर ऑलवेज डन अलॉन्ग दोशन एंडर टू द मोशन components component of force are always done along motion and perpendicular to motion कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज डन अलोंग मोशन परपेंडिकुलर तो टी ऑलरेडी अलोंग द मोशन है उसको कंपोनेंट करके इसको खराब मत करो मेरे पास क्या है ये जो एमजी है उसके कंपोनेंट कर लो तो एमजी बेसिकली मेरे पास ऐसे लगता है लगता है कि लगता तो अब ये मेरा ना तो मोशन के अलोंग है ना मोशन के परपेंडिकुलर तो मैंने इसे कंपोनेंट कर दिया एक परपेंडिकुलर टू द मोशन और एक अलोंग द मोशन ठीक है आई होप इट इज क्लियर अच्छा अब तुम्हारे को मोशन के अलोंग फोर्सेस देखने तो बेसिकली ये वाला जो फोर्स है वो इसको इधर लेके जाना चाहेगा और ये वाला जो फोर्स है वो मोशन को अपोज करना ये वाला मोशन सपोर्ट कर मोशन को सपोर्ट कर रहा है ना इसलिए एम टू जी तो इसको सपोर्ट कर रहा है बट एम वन जी का जो कॉम्पोनेंट है ये वाला अपोज तो कर रहा है मोशन को तो इसलिए माइनस लगा है। क्योंकि वो मोशन के परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन का जो एक्सिलेशन है वो डिसाइड करा जाएगा इस डायरेक्शन में कितने फोर्सेज है ये तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो इसमें तो कोई फोर्स

जो स्ट्रिंग की टेंशन है स्ट्रिंग वो इमीडिएटली जीरो जाती है बट जो स्प्रिंग वाला जो केस होता है वो टेंशन इमीडिएटली जीरो नहीं होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है ठीक है इट टेक्स टाइम तो उस केस में क्या तो देखो आफ्टर कट करने के बाद है ना हम एफबीडी बना लेते हैं लेकिन हम पहले ये तो समझ ले कि बिफोर कटिंग इसमें कितना टेंशन डेवलप थी ठीक है ये m है ये m है, 3m है इसको कंबाइंड मास अगर ले लूं तो बेसिकली इसमें जो ये कितना हो गया 4g हो गया 4mg हो गया तो बेसिकली इसमें टेंशन कितनी जनरेट हो गई होगी 4mg जनरेट हो गई होगी ठीक है भाई इस टे, इस टे, इस में m और 3m दोनों को होल्ड करके रख रखा था इसीलिए नाउ अब मैं क्या करती हूं जस्ट आफ्टर कटिंग fbd बनाती हूं जस्ट आफ्टर कटिंग क्या होने वाला है जस्ट आफ्टर कटिंग अगर ए को देखू तो स्प्रिंग की जो टेंशन है वो फोर एम जी रहने वाली है ठीक है और एक बी का, का. में ऊपर की तरफ तो कोई टेंशन रही नहीं है कोई टेंशन नहीं क्योंकि कट गया ना ये कटते ही टेंशन जीरो बट इसका खुद का एक वेट रहा होगा एम जी ठीक है तो अभी होगा क्या इसमें इसमें नेट फोर्स किस डायरेक्शन में ए बी में बी में जो नेट फोर्स है वो मेरा नीचे की डायरेक्शन में ठीक है तो क्या लिखूंगी एम ए इज इक्वल टू एम लिखने वाली हूँ और इसमें जो नेट फोर्स है वो कैसा है फोर एम है ठीक है तो इसको क्या लिखने वाली हूँ सॉरी फोर एम तो इसका नेट एक्सीलरेशन क्या लिखने वाली हूँ फोर एम जी ठीक है

हमारे पास ए में क्या हो रहा है इसका जो ये टेंशन था जो इसमें ऊपर स्प्रिंग में लगा रखा था वो इमीडिएटली जीरो नहीं मैंने ए की एफ बी डी बनाई तो उसमें ऊपर की तरफ फोर एम जी नीचे 3 तो नेट फोर्स कितना हो गया फोर एम जी माइनस थ्री एम जी इक्वल टू मास इन टू ए का जो मास है वो थ्री एम है ओके okay? तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है एक सेकेंड में थोड़ा ठीक है तो मुझे यहाँ से देखने पे पता चल गया कि जो मेरे पास ए है वो तो जी के बराबर है और यहाँ पे क्या बचा ये थ्री एम ए इज इक्वल टू एम जी बचा तो ए की वैल्यू हो जाएगी वो जी बाय थ्री के बराबर हो जाएगी ओके ए की वैल्यू हो जाएगी वो जी बाय थ्री के बराबर हो जाएगी तो आंसर क्या है ए का जी बाय थ्री है और उसका जी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा देखो इसको और इसको तो, तो तुम देखते ही डिसकनेक्ट कर, कर, कर सकते हो तो क्योंकि बी तो बेसिकली कट गया उस पर कोई नहीं, वो कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन जी ही, ही, okay? तो ही होने वाला है तो सी और ये वाले तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है आई होप इट इज क्लियर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है ऐसे हाँ, भी सो सकते हो तो करें कि ऐसे सीधा सीधा सोच सकते हैं जी से कम एक्सिलरेशन तो, हाँ, तो, होगा कौन से तो ग्रेविटी के अलावा और भी फोर्सेज लग रहे हैं ओके तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बट सपोज क्वेश्चन में एक ऐसा ऑप्शन आता कि हमारे पास एक जी बाय वाला ऑप्शन तो होता ही इसके अलावा एक ऑप्शन था जी बायोर इंटू जी होता तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन लगाते करनी पड़ती ठीक है तो हर बार

क्या होता है सीडोफोर्स देखो अगर बहुत जगह ये सभी जगह ऐसे एग्जाम्पल से पढ़े रखा होगा अगर सपोज मैं किसी ट्रेन में बैठी हूं ठीक है सपोज अगर मैं किसी ट्रेन में बैठी हूं ठीक है और मेरी ट्रेन रेस्ट पर है और यहां पे कोई पेड़ है लेट्स पेड़ तो आपको क्या दिखाई देगा ये पेड़ भी रेस्ट पर है ठीक है ओके okay. लेकिन अगर मेरा कुछ एक्सीलरेशन है तो मुझे रिलेटिव रिलेटिव फ्रेम में के क्या दिखाई देता है कि इसका इस तरफ है ठीक है रिलेटिव में ऐसे ही होता है फ्लिप होके लग जाता है उल्टा होके लग जाता है जो खुद के फ्रेम का एक्सीलरेशन है वो दूसरे जिसको देख रहे हैं उसके पे रिवर्स होके लग जाता है रेक्टर. तो अगर मुझे ये बात समझ देख पा रही दिखाई दे रहा है तो मेरे फ्रेम में ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस ए को लेके जा रहा हूं बेसिकली ये फोर्स एक्चुअली में है नहीं इसलिए इसको तो बोला गया है बेसिकली ये जो तुम्हारे को रिलेटिव एक्सिलेशन जो दिखाई दे रहा है फ्रेम से उसको जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए हमने बोला कि एक फोर्स है जो इस तरफ लगता है ठीक है एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है हाँ तो इस पर जो सूडो फोर्स होता है वो किसका लेते हैं सूडो फोर्स को क्या लिखते हैं सुडो फोर्स होता है m इन टू ये किसका है जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का है और ये एक्सीलरेशन कितना है मेरे फ्रेम का एक्सीलरेशन है ये क्या है ओहो आप लोगों को इधर दिख नहीं रहा होगा आई गेस नीचे की तरफ वेट हाँ सॉरी वेट वेट सॉरी सॉरी इधर दिखता है ये ट्रेन है मेरी अगर मैं रेस्ट पर हूँ इसके अंदर बैठा हूँ तो मुझे एक पेड़ अगर जो बाहर है वो रेस्ट पर ही दिखाई देता है बट अगर मेरी ट्रेन एक्सिलरेट हो गई है तो मैं एक्सिलरेटेड हूं मुझे ये ट्रेन का तो मेरे फ्रेम से क्या दिखाई देगा कि जैसे ये इधर हो रहा है फ्लिप होके लग जाता है तो उस केस में क्या, क्या क्या दिक्कत हो जाती है कि भाई ऐसा कौन सा फोर्स है मेरे फ्रेम में जो इसको पीछे लेके, लेके जा रहा है वो है सूडो फोर्स ठीक है सूडो फोर्स जो लिखते हैं उसको एम इन लिखते हैं एम क्या होता है ऑब्जेक्ट का मास होता है और ए क्या होता है

इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स और डेफिनेटली तुम्हें कोई पता है कि वो ऐसे जाके सेटल डाउन होता है कुछ तो ठीक है इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहा है एक तो एम लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है, ठीक है और यहां पे कुछ टेंशन लग रहा होगा ये एंगल कुछ थीटा होगा ठीक है तो अगर मैं इसको ध्यान से देखू इसको हटा देता है ये समझाने के लिए बताया था बस ठीक है ये कौन सा फोर्स है मेरे लिए सूडो फोर्स है ओके तो अगर यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो टी अगर वो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा टी के कॉम्पोनेंट कर दो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा तो मेरे पास क्या आ गया टी साइन थीटा तो एम के बराबर हो गया और टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा एम के बराबर हो जाएगा भाई ये टी कॉस थीटा एम के बराबर है और टी साइन सॉरी टी साइन थीटा में ए टी कॉस थीटा एम के बराबर है क्योंकि रेस्ट पर है तो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे इसलिए मैंने इक्वेशन लिखी है अब क्या करो इसको डिवाइड कर दो तो डिवाइड करोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या टेन थीटा इधर की साइड एम से कैंसिल हो जाएगा ए बाई बचेगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई टेन थीटा इज इक्वल निकल के आ गई अच्छा तो यहाँ पे वो टेन थीटा की वाले कितने देखे टेन थर्टी सेवन इज अच्छा थर्टी सेवन की वैल्यू जो होती है याद कर लो थ्री बाय फोर होती है इज इक्वल टू ए बाय जी तो ए की वैल्यू जो रहेगी वो सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगी ओके आंसर क्या ऐसा आंसर है हाँ है ऑप्शन बी ओके आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी क्लियर है आगे बढ़े ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेन कॉइन आर पुट ऑन द टॉप ऑफ इच अदर ऑन टेबल ईच कॉइन हैज मास एम के then the force on the seventh coin counted from the bottom due to all the coins on its top to so basically 10 coins rakhe hain aise matlab ye one coin ye two coin ye 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ho gaye kya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 force on the seventh coin counted from the bottom to so, seventh coin ko aise first second third fourth fifth sixth seven, seven. seventh hai तो इसपे फोर्स निकालना है किसकी वजह से देखो गेट मेरा सेवंथ कॉइन है कौन सा ये वाला है ये वाला ग्रीन वाला जो है इस पे मुझे फोर्स निकालना है किसकी वजह से ऑल द कॉइंस ऑन टॉप इसके ऊपर जितने भी कॉइंस रखे हुए उनके ऐसे निकालना है तो इन तीनों की वजह से निकालना है ओके तो एक काम करो अगर हर एक का मास एम है तो एक काम करो इसको एक कंबाइंड मास मान लो और इसको एक कंबाइंड मास मान लो

ठीक है तो उस पे कैसे हो गया थ्री एम जी नीचे लग गया और एन ऊपर की तरफ लग गया तो एन कितना हो, गया? 3MG के बराबर ही हो गया? तो सेवन एम के हो 3MG हो जाएगा। तुम इस 7M की भी एफ बी डी बना सकते थे तो इसमें सेवन एम जी लगता एक यहाँ पे जो एन जो लग रहा है इस वाले पॉइंट पर वो इस पे एन इस तरफ लगता बट ये वाला एक सरफेस भी एन डैश लगाती है। फिर अलग से एंड डैश कैलकुलेट करो फिर वो सब चीजें करो तो ज्यादा तो जल्दी निकल आता है okay? बिना सूडो फोर्स लगाए बेटा फोर्स नहीं लगाएंगे तो मतलब तुम्हें ना वो इक्विलिब्रियम पे नहीं दिखाई देगा तो मोशन पे दिखाई देगा वो तुम्हारे को ओके okay? तो तुम उसको कर सकते हो सूडो फोर्स ना लगाए तो

एंगल कुछ थर्टी सेवन है और तुम्हारे को इसका एक्सीलरेशन ए दिखाई दे रहा है ये एम जी दिखाई दे रहा है इधर टी दिखाई दे रहा है ठीक है ये थर्टी सेवन है ठीक है तो ये कितना हो जाएगा टी और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा टी साइन थर्टी सेवन तो तुम्हारे को ये बात पता चल गई कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम पे है तो एम जी इज इक्वल टू टी कॉस हो जाएगा

तो वापस से वही चीज तो आ गई 4 बाय सॉरी 3 बाय 4 इज इक्वल्स टू a बाय g g की वैल्यू 10 लेंगे तो a की वैल्यू 7.5 आ जाएगी तो बेसिकली जब तुम ग्राउंड फ्रेम से बना रहे हो बिना बिनाPseudo force लगाए तो उस केस में क्या होने वाला है तुम्हारे पास एक नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में t sin थीटा उसके से इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन है तो उस t sin थीटा को ma के बराबर फुट कर दिया ओके आंसर वही आएगा Right? चलो आगे बढ़ जाता है टेंशन टी टू इन सिस्टम बहुत इजी है निकालना जहां पे भी तुम्हारे को ऐसा कुछ मिल जाए वहां से अलग अलग कर लो बस उनको इस तरीके से अच्छा देखो इस क्वेश्चन में मेरे लिए ना एक सेकेंड जहां पे भी तुम्हें टी टू निकालना हो ना, तो एक काम करो ऐसे इसको कंबाइन कर लो दो पार्ट्स में तो तुम एक सेकंड एक काम करो इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान लो तो जो नीचे वाला जो कंबाइंड सिस्टम माना है उसकी जो अगर मैं मास लिखू तो क्या मैं वो फाइव के जी फाइव जी इसमें नीचे लग रहा क्योंकि फाइव के जी का हो गया कंबाइंड और इसमें टी टू लग रहा होगा और इसके अलावा इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है

आप पेपर पेन लेके सॉल्व कर रहे हैं ना ऐसे 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 मूवी की तरह तो नहीं देख रहे, ऐसे लगा के और ऐसे लग रहा है कि भाई मूवी चलती है ऐसे करोगे तो फायदा नहीं करेगा अगर तुम यहाँ पे सोच के आयो कि मैं कुछ सीख रहे हो ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं थ्री ब्लॉक्स एम वन एम टू एम थ्री आर कनेक्टेड द फ्रिक्शनलेस टेबल दे आर पुल्ड है एम वन एम टू और एम थ्री की वैल्यू दे रखी है तो एम वन कितना है ये टेन है ये सिक्स है और ये फोर है ठीक है टेंशन है है ये ये निकालनी मेरे को, वाली। तो इस केस में क्या करो अब ये रेस्ट पर तो है नहीं तो इसका एक कंबाइंड एक्सिलेशन निकाल लो तो बेसिकली क्या तुम ये मान सकते हो कि टोटल का जो तो, पूरा का पूरा मास है वो कितना हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय

Triction क्या होता है मोशन को अपोज करता है नहीं फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फंडामेंटली याद रखो फ्रिक्शन अपोज इज रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन वो है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है एक सेकंड जैसे मेरे पास ये कोई ब्लॉक है कुछ है

सपोज सपोज ये मार्कर इस पर रखा हुआ है ठीक है और मैंने इसको पकड़ नहीं रखा है बिल्कुल भी ठीक है ये मार्कर इस पर रखा हुआ है पकड़ मैं क्या इस को ही कर रही हूँ इस ब्लॉक को ही मूव कर रही हूँ इस ब्लॉक को ही मूव कर रही हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? क्या पहले केस में तो पीछे की तरफ लग रहा था क्या इस केस में भी पीछे की तरफ लगेगा नहीं इस केस में आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन ये नहीं चाहता कि मोशन ना हो

मार्कर पे फ्रिक्शन आगे की तरफ तो साथ, 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 साथ चलते okay? तो ऐसा नहीं होता है कि फ्रिक्शन हमेशा को करता है, को करता है. जो होता है बेसिकली नेचर होता है टाइप ऑफ जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टाइप ओके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है वो ठीक है फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं ठीक है मैंने पहला केस केस बताया बताया था कि कि मार्कर मार्कर मूव मूव कर कर रहा है, रहा है के दूसरा ब्लॉक बट क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो है तो ब्लॉक के मोशन के साथ ब्लॉक भी मार्कर को आगे लेके जाना चाह रहा है ओके नाउ अंडर जब मैंने ब्लॉक पे फोर्स लगाया और ये दोनों साथ 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 जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है ठीक है मतलब दोनों रिलेटिवली रेस्ट पर है पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है ओके और जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो भी फ्रिक्शन लग रहा है बट फ्रिक्शन इनफ नहीं है रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए सपोज मैं इसको बहुत ज्यादा फोर्स से आगे लेके जाती बहुत बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन से आगे लेके जाती

ने टू न्यूटन को ओवरकम कर लिया तो वो टू न्यूटन पीछे की तरफ लगा रहा है वो कितना हो गया थ्री हो गया तो बैलेंस मैंने इसको लेट से नाइन पॉइंट नाइन न्यूटन लगा दिया ये अभी भी, भी नहीं मूव कर रहा क्योंकि फ्रिक्शन नाइन पॉइंट नाइन दूसरी तरफ लगा रहा है फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू बढ़ा ली

वो नहीं लगा सकता बॉडी आगे की तरफ मूव करने जाएगी और फ्रिक्शन की वैल्यू अब वैल्यूजिव हो जाएगी तो सपोज तुमने आगे की तरफ लगाया तो पीछे की तरफ टेन ही रहेगा तो बॉडी पर नेट फोर्स उससे बस की नहीं उसकी तो वो दो न्यूटन आगे की तरफ होगा तो जब स्टैटिक वाला जब केस होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है जैसे जैसे हम फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाते जैसे

फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग बट अपू लिमिटिंग अपटू अट तक ही है उसके बाद नहीं है ओके okay? उसके बाद कॉन्स्टेंट होता है जब वो कॉन्स्टेंट हो गया तो काइंटिक वाले जोन में एंटर करके ओके नाउ इट इज सी द कोफिशंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड मास अच्छा ये टू के जी का है

काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है ना वो होता है म्यू एन सपोज ये कोई बॉडी है और इस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कितना भी हो सकता है मुझे पता नहीं है तो इसका जो फ्रिक्शन होगा ना वो म्यू इंटू एन होगा म्यू क्या होता है स्टैटिक okay? के जो केस में होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है म्यू इंटू एन है ठीक है म्यू इंटू एन है और जो स्टैटिक होगा वो म्यू इन एन से कम होगा ठीक तो है, है तो स्टैटिक वाली वाली जो तो, तो काइनेटिक के 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 तो फ्रिक्शन वाला केस के के है ओके? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी एफबीडी बनानी है कुछ नहीं करना है तो एक ब्लॉक बी है ठीक है उसका मास लेट से M है उस एम जी नीचे की तरफ लगेगा T ऊपर की तरफ लगेगा और क्योंकि ये रेस्ट पर है तो क्या T इज इक्वल टू एम होगा हाँ होगा इसकी एफ बी डी बना लो A की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सेम नहीं है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग होता है रोहित A की एफ बी डी बनाओगे तो A में टेंशन इस तरफ लगेगी और क्योंकि टेंशन इसको आगे की तरफ लेके जाना चाह रही है तो फ्रिक्शन को अपोज करेगा तो पीछे की तरफ लगाएगा तो टेंशन कितनी हो गई फ्रिक्शन के बराबर हो गई तो मेरे पास एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है अगर मैं दोनों को देखूं तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी है ठीक है अच्छा इधर इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा क्या इसका नॉर्मल रिएक्शन टू जी होगा क्या इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो म्यू एन यानी कि म्यू इन टू जी होगा ठीक है तो क्या ये म्यू इंटू टू जी होने वाला है एम जी इज इक्व टू म्यू इन टू टू जी एम सॉरी एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टू म्यू एम जीरो पॉइंट टू है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री ओके आई होप इट इज क्लियर आगे बढ़ जाते हैं a horizontal force of 10 टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट wall

रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ठीक है तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो क्या मुझे टेन इज इक्वल टू एन के बराबर है हाँ होना ही पड़ेगा क्योंकि अगर रेस्ट पे रख रहा है तो ठीक है अगर ये रेस्ट पर रख रहा है तो ये इसको टेन इज इक्वल टू एन होना पड़ेगा और एम जी इज इक्वल टू फ्रिक्शन होना पड़ेगा ठीक है थीके? इस एम जी को फ्रिक्शन बैलेंस करना चाहिए और एक और चीज होगी मुझे पता है फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इन एन के बराबर होता है ठीक है फ्रिक्शन जो है वो म्यू इनटू एन की वैल्यू कितनी है टेन है तो टेन म्यू के बराबर हो जाएगा तो इसमें जरा ये फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो ये वाली तो एम जी जो हो जाएगा वो फ्रिक्शन के बराबर यानी कि टेन म्यू के बराबर हो जाएगा तो एम जी कितना हो गया टेन म्यू के बराबर तो जी की वैल्यू कितनी है टेन हो गई अच्छा इसमें ओके ये अपने को क्या पूछ रहा है टेन न्यूटन दे रखा ना इसने द वेट ऑफ द ब्लॉक इज वेट पूछ रहा है वो यही चाहिए बेसिकली मुझे यही तो है वेट तो वेट तो कितना है टेन म्यू के बराबर है और म्यू कितना है यहाँ पे? जीरो तो इंटू जीरो टू न्यूटन ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर ओकेट क्लियर टू तो एवरीबॉडी सिटिंग है जितने लोग बैठे हैं सबको तो क्लियर है ये ओके मैंने कुछ नहीं किया स्टेशनरी है

और m1 m2 m3 ना वो तीनों बराबर है ठीक है m1 m2, m2 m3 तीनों mm के बराबर है ओके नाउ मुझे ये पता है कि इन ईच पे जो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा μ n एन्ट के बराबर होगा ठीक है और इनका जो n है वो mg के बराबर है मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ठीक है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा μ mg के बराबर होगा ये मुझे यहां पे दिख रहा है अच्छा

नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट पुलिंग मास कैसे पता चला सपोर्ट कौन कर रहा है एमजी कर रहा है और अपोज कौन कर रहा है ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट पुलिंग मास और डिवाइड बाय टोटल मास प्लस एम प्लस एम तो ये तो कितना हो जाएगा एम जी माइनस टू एफ यानी कि टू मू एम जी डिवाइड थ्री एम ठीक है तो एम एम कैंसिल हो गया और जी कॉमन ले लिया तो वन माइनस टू म्यू थ्री कैसा आंसर है देखो ऐसे पेपर में एक्चुअली ऐसे छोटे दो लाइन में करना ऐसे पूरी पूरी एफ नहीं बनानी है तो ये क्या आ जाएगा वन माइनस टू म्यू अपॉन थ्री कौन सा है, okay? चलो, आगे बढ़ते हैं. कैसे आ है बेटा रोहित फोर्थ कैसे फोर्थ पिछले वाले का था आई थिंक इस वाले का थ्री आ रहा है हाँ. okay, चलो आगे बढ़ जाते हैं अच्छा हम सर्कुलर मोशन को पढ़ लेते हैं अभी हम थोड़ा सा ठीक है बस सर्कुलर मोशन में जो होता है पास को हम पढ़ते हैं और उसमें जो सेंट्रीपीटर जो एक्सीन होता है सेंट्रीपीटर जो एक्सीन होता है वो वी स्क्र बाई आर होता है और या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होता है तो सेंट्रीपीटर जो फोर्स हो जाएगा वो एम ए सी हो जाएगा यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर और m ओमेगा स्क्वायर आर ये चीज होता है ठीक है तो बेसिकली अगर मैं इस ब्लॉक पे ही सपोज मेरे पास कोई बॉडी ऐसे है अगर मैं इस ब्लॉक पे ही बैठ जाऊं है ना और तो अगर मैं देखूं कि मेरा जो एक्स मैं एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में होंगी मेरा ए इस तरफ होगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो मेरे पास स्यूडो फोर्स एम ए इस तरफ रहेगा ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे बैठ के एफपीडी बनाना हमेशा इजी है कि तुम यहां पे बैठोगे सपोज कोई टेंशन है तो टेंशन इस तरफ लगी हुई होगी और एम ए सी यानी कि एम वी तरफ लग रहा होगा और क्योंकि तुम यहाँ पे बैठ के बैठ यहीं पे बैठे हो तो बेसिकली ये रेस्ट पर है और रेस्ट पर है तो टी इज इक्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा ठीक है सर्कुलर मोशन में हमेशा यहीं पे बैठ के एफ बी डी बनाया करो और जहां पे बैठ गए उसके बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा और तुम रेस्ट पर हो तो टी इज टू एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा ओके एक क्वेश्चन करते हैं

रूट लोगे तो नाइन का रूट तो थ्री हो जाएगा और इसका रूट टू हो जाएगा तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्स मीटर पर सेकेंड इजी क्वेश्चन है ठीक है ओके okay. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार इज मूविंग इन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस टेन मीटर ठीक है ट्रैक है. है और जो अब देखो इस वाले केस में तो जो सेंटर एक्सेलरेशन था वो कौन प्रोवाइड करता टेंशन जब ट्रैक में मूव कर रहे हैं सपोज हम गाड़ी को लेकर जाते हो ऐसे सर्कट में से चौक को क्रॉस कर रहे हो तो हमारे पास अभी टेंशन वेंशन नहीं होती है तो हमको कौन वो प्रोवाइड कर, कर रहा होता है ओके तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पीड है टेन मीटर पर सेकेंड अज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय दिंग ऑफ द लेंथ अच्छा बेसिकली अब तुम तुम्हें ऐसे देखोगे ये तुम्हारा टॉप व्यू है ठीक है ये कार का तुम्हारा टॉप व्यू कार ऐसे जा रही है तुम इसका साइड व्यू देखो मतलब तुम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो इसे पीछे से तो तुम्हें कार ऐसे जाती हुई दिख रही है ठीक है ये कार का ये पीछे वाला व्यू है एक मतलब बेसिकली तुम इसको इसको ऐसे ऐसे देख रहे हो बना लो। एक इसको तुम पीछे से देख रहे हो और तुम्हारा अगर ये कार नहीं मूव करती तो बेसिकली तुम्हारे को वो बॉब ऐसे दिखता पीछे से ठीक है कार के पीछे से शी, कार के शीशे के पीछे से दिख रहे हो बट क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है ये कार तो तुम्हारे को ये इस पर सूडो फोर्स लगता हुआ दिखेगा ऐसे फोर्स लगेगा तो वो इस तरफ लगेगा और वो इस तरफ टिल्ट हो, तरफ बाहर की हो जाएगा तो बेसिकली ब्लॉक मुझे दिख कैसे रहा है ऐसे कुछ तो बेसिकली पहले जैसे ही क्वेश्चन हो गया नीचे की तरफ एम जी और इधर की तरफ जो दिखेगा तुम्हारे को एम ए दिखेगा अब एम ए सी दिखेगा क्योंकि सेंटर पिटल है ना तो वो पूछ रहा है द एंगल तो वापस से वही चीज हो गई याद है बाय जी तो यहाँ पे क्या जाएगा ए सी बाई जी हो जाएगा अपन ने पढ़ा था

और ऐसा कुछ भी है जो पार्ट क्लियर नहीं है तो यू मे जस्ट रिप्लाई हियर ओके आगे बढ़ जाते हैं the the is, अच्छा एक कार रनिंग विद वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आर ऑन अ लेवल रोड इज स्टॉप्ड आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर आफ्टर डिसएंगेजिंग द फ्रिक्शन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अच्छा ऐसे देखो एक कार है वो कितना मूव से मूव कर रही है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर को पहले तो तुम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो तो उसको फाइव बाई एटीन से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा फोर टाइम्स जाएगा और कितना हो जाएगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो पास एक कार है जो कि बेसिकली ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और वो थोड़े टाइम के बाद रुक गई है अब रुक गई है तो पूछे कोफिशन ऑफ तो फ्रिक्शन कैसा बेसिकली रुकी कैसे अपने आप तो नहीं मतलब फ्रिक्शन रोक रहा है अच्छा तो बेसिकली फ्रिक्शन देखो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा तरफ लगेगा तो बेसिकली फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है तो क्या मैं is to friction लिख सकती क्या is to mu into N लिख सकती क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो एम जी के बराबर है एम से एम कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू म्यू इंटू जी हो गई है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई है? तो है तो बेसिकली मेरे पास है तो बेसिकली मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो ये मेरे पास माइनस म्यू जी आ जाएगा मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो ट्वेंटी आ जाएगी और मेरे पास जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस पे रुकी है थर्टी मीटर पे जाके रुकी तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा थर्टी मीटर आ जाएगा और मेरे पास क्या है और क्या चीज है फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है है। म्यू इन सारी क्वांटिटीज को लिट करते हुए कौन सी इक्वेशन तो तो यहां पे क्या हो जाएगा जो म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाई टू जी इंटू थर्टी इसको सॉल्व करना है और आंसर निकल के आ जाएगा क्या है इस क्या क्या आंसर आएगा चलो सब सॉल्व करके बताओ ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा इससे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा फोर बाय थ्री बचेगा क्या फोर बाय थ्री जैसा कुछ ऑप्शन है फोर बाय थ्री जैसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है नहीं टू बाय थ्री बचेगा बेटा एक टू तो कैंसिल आउट हो गया ना और बस कहिएगा टू बाई थ्री बचेगा यानी कि जीरो पॉइंट सिक्स से सेवन ओके ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा ओके आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी सिटिंग एयर स्टूडेंट सूरज रोहित एंड देयर अदर स्टूडेंट आल्सो ओके चलो ओके okay. एक है हमारे पास कॉनिकल पेंडुलम वाला किसी लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं बस देखो

तो ये एंगल थीटा बना रहा है एक प्लेन में वर्टिकल प्लेन में तो बस यहाँ पे इसकी एफ बी डी बना लो यहाँ पे ये बॉडी है एक नीचे की तरफ एम जी लगता है इस पे ये एक एक स्ट्रिंग टेंशन लगा रही होगी ठीक है ये एंगल अगर थीटा है तो मेरा ये एंगल भी थीटा होगा अब मैं कुछ नहीं करी टी के कॉम्पोनेंट कर लो टी का ये कॉम्पोनेंट टी कॉस्ट थीटा टी का ये कॉम्पोनेंट टी साइन थीटा और मुझे पता है मैं यहाँ पे अगर बैठ गई हूँ तो मुझे क्या मिल रह, दिख रहा होगा यहाँ पे एक एम वी स्क्वायर बाय आर बी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स दिख रहा होगा सूडो फोर्स सेंट्रिफ्यूगल जिसे बोलते हैं और उसको अपन एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं तो मेरे पास क्या हो गया टी साइन थीटा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो गया कहा गया एक सेकेंड एम ओमेगा स्क्वायर आर मेरे पास क्या हो गया टी साइन थीटा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो गया और मेरे पास ये जो टी कॉस्ट थीटा है ये एम जी के बराबर हो गया ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है ठीक है अब मैंने कुछ नहीं इनको किया इनको डिवाइड किया ठीक है अच्छा इस वाली इक्वेशन को अगर मैं ट्रीट करूं तो टेंशन की वैल्यू जेगी वो एम जी वाई कॉस्ट थीटा निकल के आ जाएगी ओके तुम्हारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट है इसको समझना एफ बी डी में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार अच्छा इसका एक एक और क्वेश्चन है हमारे पास वेट अच्छा ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है ओके इसके डेरिवेशन में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना है डोंट थिंक अबाउट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है बेसिकली होता क्या है ये हमने क्या बैंकिंग ऑफ रोड जो हम पढ़ते हैं बेसिकली मैंने क्या बताया था कि जब स्टोन को थ्रेड में टाई करके घुमा रहे हैं तो वो जो टेंशन है, वो कर रही है। जब हमारी रोड है और रोड पे हम जब अगर सर्कल में मूव कर रहे हैं तो मेरे को जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स करे बट अगर तो फ्रिक्शन जो बेसिकली तुम्हें याद है तो फ्रिक्शन जो निकल के आया था फ्रिक्शन फोर्स था वो एम वी स्क्टर बाई आर प्रोवाइड कर रहा था बट लेकिन भाई फ्रिक्शन की लिमिट है फ्रिक्शन ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू तक नहीं जा सकता है तो अगर मैंने वेलोसिटी ज्यादा दे दी है तो फ्रिक्शन एक पॉइंट के बाद उसको झेल नहीं पाएगा यही कारण होता है कि गाड़ी स्किड हो जाती है देखो बहुत तेज स्पीड से आते तो ऐसे स्पेशली वो रेस जो होती है उसमें जब कर्व पे गाड़ी स्किड ज्यादा होती है क्योंकि वो फ्रिक्शन इतना इनफ भी नहीं होता है कि उसको वो सेंटर फोर्स प्रोवाइड कर सके तो अलॉन्ग टेंजेंट मूव कर जाती है गाड़ी सर्कल में मूव ही नहीं कर पाती है इससे बचने के लिए हमने क्या किया जो हमारा सर्कुलर जो रोड है उसको हम ऐसे टिल्ट कर 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 दिया दिया बेसिकली बेसिकली तो 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 बैंक तो अब सर्कल में मूव रहे हैं ना ना तो मेरा ये नॉर्मल रिएक्शन जो है न, वो भी उसका एक कंपोनेंट सेंट्रीप्यूटल फोर्स में और हेल्प करता है ठीक है ये बैंकिंग ऑफ रोड मैंने इस वजह से बनाया है मतलब मैंने नहीं जिस किसी ने भी इन्वेंट किया है समझदारी वाला काम किया है तो बेसिकली जब हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होता है तो फ्रिक्शन तो जब हमारे पास बैंकिंग नहीं होती है तो हम, जब हम स्किड करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जब हमारे पास बैंकिंग होती है तो मैं ज्यादा वेलोसिटी से भी रोटेट कर सकती हूँ तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है वो कहती है आरजी म्यू प्लस टेन थीटा

इस पे ज्यादा ना इसके डेरिवेशन पे जाने की जरूरत है फॉर्मूले को याद कर लो ठीक है नीट के लिए ओके ओके जेई में फिर भी भी हम थोड़े बहुत इसका डेरिवेशन बताते हैं बट नीट के लिए बिल्कुल है आई होप यू आर डूइंग गुड आज हमने जो क्वेश्चन किया वो मोर एंड लेस बहुत कुछ कवर कर लिया हमने सब चीजें कवर कर लिए आप चाहो तो अब इसके बाद पीवाई क्यूज कुछ लगा सकते हो पीवाई क्यूज ऐसे नहीं लगाने हैं कि बैठ गए और दो घंटे तक सॉल्व किए जा रहे हैं ऐसे नहीं करना है टाइम बाउंड होकर करना है तो अगर सपोज आप

तो तुमने ग्रो नहीं किया वहां पे कुछ जो तुमसे क्वेश्चन नहीं हुए उनको समझा अपने किसी टीचर फ्रेंड्स मेंटर से कनेक्ट किया उसके बाद टीचर ने एक्सप्लेन किया तो तब तुम्हारा ग्रोथ हुआ कि हाँ भाई अब ये चीज नहीं आती थी अब आती है ओके सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड खुश रह प्रिपरेशन करो बस दैट्स इट ओके नो नीड टू पैनिक स्टे हैप्पी एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग ओके सी यू इन द नेक्स्ट क्लास